ये सेला कोई शंकरपुर हुकूमतपुर में ये स्थिति है कि पाकिस्तान का झंडा कैसे लहरा रहा है, आप लोग सभी देख सकते हैं। ये भारत का झंडा बगल में लगाया हुआ है, लेकिन उससे ऊंचा उठाया पाकिस्तान का झंडा लगा रखा है। सेला कोई मेंटल हॉस्पिटल से जो रोड अंदर आई है, उस रोड पे ऊपर आके अकबर कॉलोनी के सामने की ये स्थिति है, नदी के बगल में। ये काम है यहाँ के लोगों के, कोई इसको देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। ये किस कैसे कितनी हिम्मत इस आदमी की कि इसने ये पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, और यहाँ कोई कहने सुनने वाला कोई किसी को कुछ नहीं है। पुलिस यहाँ कोई कोई मुस्तैद नहीं है, कोई किसी को कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। ये स्थिति है यहाँ की, ये देखिए। ये भारत का झंडा भी लगाया है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा जबरदस्ती जानबूझकर उसे ऊंचा करके लगाया गया है। ये यहाँ की स्थिति है। ये पीछे यहाँ जो भी लोग रहते हों, ये मकान है किसका नहीं है कोई पता नहीं, कोई मालूम नहीं कहाँ किसकी ज़मीन में है, नदी की ज़मीन में है, कहाँ है, कैसे, कोई इनको पूछने वाला नहीं। कहाँ से आके ये लोग यहाँ बसे हुए हैं और ये ऐसे ऐसे कृत्य यहाँ करते हैं, ये देखिए। ये सामने पीछे में घर है, इधर बगल में यहाँ कूड़ा वगैरह यहाँ इकट्ठा होता है। ये लोग हैं पीछे, ये खड़े हैं, लेकिन कोई किसी को सुध लेके राजी नहीं है। ये खड़े हैं दो आदमी, लेकिन कोई किसी को कोई किसी से कोई जानकारी नहीं है। ये यहाँ तिरंगा लगा हुआ है और इससे ऊंचा ये पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। और ये भैया आए हैं, इनसे पूछूंगा अभी, इनसे बात करूंगा। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सलमान। ये आप यहीं रहते हैं? कहाँ पे? सामने। अच्छा, तो ये किसका मकान है? ये जो मकान है ये किसका मकान है? यहाँ है जूली। जूली कहाँ रहता है? ये लखीमपुर खीरी। तो ये जो झंडा लगाया हुआ है ये किसने लगाया हुआ है? अच्छा, तो आप लोग यहाँ रहते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि भारत के अंदर आप लोग रहते हैं और ये भारत का झंडा लगाया हुआ है, इससे ऊंचा झंडा आपने पाकिस्तान का लगाया, कहाँ है? पता नहीं भैया कहाँ लगाया, पता नहीं। ये जूली कहाँ रहता है, क्या नाम है इसका पूरा, किन से? अच्छा अच्छा